we're gonna have a good time. Get together. Between a man and a man, this is a gentleman. कितनी बार बोला है ये गाना मत गाया कर, मेरी कंपनी का है, मुझे जलाती है। डायन कहीं की। अच्छा सुना डार्लिंग, वो सब छोड़, मेरे लिए ड्रिंक बना देना यार, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा यार। अरे सुनना, प्लीज बना देना। मेरे को नहीं बनानी कोई ड्रिंक विंक, 6 महीने हो गए, मेरा पगार तक नहीं दिया अभी। अरे तेरा पगार मैं, एक प्लेन बिकते ही तेरा पगार दे दूंगा मैं, सबसे पहले तुम्हारी पगार दूंगा मैं। सारी एयरलाइंस तो आपकी बिक गई और मेरी तनख्वाह तक नहीं मिली अब तक। कसम कैलेंडर गर्ल्स की, इस बार प्लेन जैसे ही बिकेगा ना, सबसे पहले पगार तुमको ही दूंगा मैं। जाना प्लीज, एक पैक बना देना, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। तुम्हारी चक्कर में अच्छी खासी एयर होस्टेस की जॉब छोड़ के बैठी हूँ मैं। जाना जाना। Hey, चुप। हेलो, क्या ये विजय मारलिया का घर है? नहीं नहीं, ये मोदी साहब का घर है, मैं तो किराए पे रहने आया हूँ। मोदी जी, पीएम साहब का घर है क्या? अरे पगली, वो मोदी जी नहीं, नीरव मोदी का घर है। अच्छा सर, मैं यह हीरोइन बनने आई हूँ। सब हीरोइन बनने ही आती है, विलन तो मैं ही हूँ। अच्छा आ जाओ बैठो। व्हाट? अरे मेरा मतलब है कि यहाँ बैठो, यहाँ बैठोगी तो पिचक जाएगा ये, आओ बैठो। अच्छा ये बताओ क्या देने आई हो? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं पूछ रहा हूँ, ऑडिशन देने आई हो या फोटोग्राफ देने आई हो? अच्छा वैसा, मुझे लगा कुछ और लेने देने की बातें कर रहे हो। अरे कुछ और लेने देने की बात तो हम बाद में कर ही लेंगे, पहले तुम्हें काम तो दे दें। सर अब किराए के घर में रहते हो, अच्छा नहीं लगता ना? क्या करें, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। लेकिन मकान मालिक को तो हर महीने पगार चाहिए, हर महीने उसको किराया चाहिए, तो इस महीने तो मैंने 2 महीने का किराया दे दिया। लेकिन तुम मेरे कैलेंडर में काम तो करोगी ना? हाँ हाँ सर बिल्कुल करूँगी ना। वैसे बहुत सालों से आपके कैलेंडर में खूबसूरत लड़कियां दिखाई नहीं दी है। अरे वो तो मॉडल थोड़ी ही है, वो तो बैंक वाली है जिनको मैं नंगा कर चुका हूँ। मैं अब तक सोच रही थी ना, ये गंदी गंदी मॉडल ना अपने पीने के बाद ही लिए। अरे रे 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 रे, उनकी फोटो लेने के बाद पी थी मैंने। एक्चुअली वो मेरे घर आए थे पैसे मांगने, मैंने उनकी फोटो खींच खींच कर कैलेंडर में डाल दी और वही दिखा दिखा कर पैसे ले रहे हैं पब्लिक से। सर वैसे आपका ये कैलेंडर शूट कहाँ होगा? अरे पगली, नाला सोपारा, विरार से 1 स्टेशन पहले। क्यों सर, नाला सोपारा क्यों? आप तो हमेशा विदेश में फोटोशूट करते हो, फिर इस बार क्यों नहीं? अरे इस बार बजट कम है, वरना तुमको बुलाता क्या मैं? लो डार्लिंग पियो। ये कैसी दारू पीते हैं आप? ये तो आपकी कंपनी की नहीं है। अरे ये मेरी कंपनी की नहीं है तभी तो पीता हूँ मैं। अरे अभी मुझे बहुत जिंदा रहना है। देखिए लेकिन मैं शराब नहीं पीती। ओ तो सिगरेट पीती हो? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पीती। बीड़ी पीती हो? नहीं। राशि खाती हो? नहीं। अरे तो तंबाकू खाती हो?
जी नहीं। अरे तो गांजा पीती हो, गांजा पफ? नहीं। अरे तो हीरोइन बनने आई हो या मेरा खून चूसने आई हो? अरे तो डार्लिंग तुम्हें पसंद क्या है? सर आप जरा दूर हटिए ना प्लीज। प्रोड्यूसर हूँ, दूर हटूं? मुझे प्रोड्यूसर को दूर हटने के लिए बोल रही हो? बेटी है। तुम्हारे पास राइटर तो होगा ना? शर्म नहीं आती तुम्हें? इसी की वजह से तुम्हारी कंपनी बंद हो गई है, समझे? ओए, बीवी के जैसी हरकतें मत कर, समझी? तेरे को देना तो दे, नहीं तो निकल यहाँ से। What do you mean? क्या देना है? अरे फोटो, ऑडिशन, हर बात गलत समझेगी, हर बात का गलत मीनिंग निकालेगी। गंदी लड़की, छी, डर्टी माइंड, गंदी सोच। क्या है ये कपड़े पहन के दिखा? ये कपड़े? हाँ। ये रुमाल है? अरे रुमाल नहीं है, ये कपड़े हैं, इसको पहन के दिखाओ। आपके साइज के हिसाब से ये कपड़े हैं, लेकिन मेरे साइज के हिसाब से ये रुमाल है। तो मैं नहीं पहनती। मैंने कितनी लड़कियों को ये पहना कर फोटोशूट करवाया है, शी, और मैंने खुद से पहनाया है, छी, सबसे बड़ी बात, छी, इसमें शर्म वाली बात क्या है? मैं पहनाऊंगा, आओ। सारी लड़कियों को तो मैं ही पहनाता हूँ। दूर रहिए, दूर रहिए। पहले उतारूंगा, फिर पहनाऊंगा। कितने गंदे हो आप, कितने बदतमीज हो। इसमें बदतमीजी वाली बात कहाँ से आ गई? और नहीं तो क्या? सर ये सब ना आपको शोभा नहीं देती। अरे रे रे, शोभा नहीं देती इसी बात का तो टेंशन है। मैं शोभा को समझा समझा के परेशान हो गया हूँ, लेकिन वो मानती ही नहीं है। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं शोभा आंटी की बात नहीं कर रही हूँ। ये सारी हरकतें आपको शोभा नहीं देती ये बोल रही हूँ। अच्छा, आपकी यही बिकनी विकनी के चक्कर में आपकी कंपनी तो बिकनी ही थी। किसने बोला, किसने बोला कि मेरी कंपनी बिक गई? अरे सारे प्लेन तो बिक गए ना, अगर नहीं बिकते तो इस बार आप फोटोशूट विदेश में क्यों नहीं कर रहे? अरे मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। तो बनवा लो ना, उसमें क्या है? अरे मेरे पास आधार कार्ड नहीं है। तो वो भी बनवा लो। अरे मेरे पास इलेक्शन कार्ड नहीं है। तो वो भी बनवा लो ना। अरे उसके लिए तो राशन कार्ड भी नहीं है। तो राशन कार्ड ही बनवा लो। अरे उसी के लिए तो पासपोर्ट मांग रहे हैं। मैं भी इसी गम में पीता हूँ, लो पियो। सर मैं शराब नहीं पीती। फिर वही बात, शराब नहीं पीती, शराब नहीं पीती, शराब नहीं पीती, तो क्या पीती है? खून। एक बात बताइए, आपके कंपनी के सारे प्लेन बिके क्यों? अरे प्लेन के ड्राइवर ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। विश्वासघात? कैसा विश्वासघात, क्यों? अरे प्लेन का मालिक मैं हूँ, और प्लेन का हेडफोन लगा के वो गाने सुनता था। क्या दोस्तों, हमारा एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और सब और तू ही बोल ले भाई यार। गाइस चुप, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।